मानवीय सभ्यता की युग युगीन संस्कृति में विकसित हजारों वर्षों की परिष्कृत बौद्धिक संपदा व उन्नत संस्कारों ने भारतवर्ष का संपूर्ण विश्व में प्रमुख स्थान रहा है। हमारे देश में जहां एक और आत्मा ऊर्जा तथा जगत पदार्थ के बारे में गूढ़ चिंतन किया गया, वहीं दूसरी ओर इस ज्ञान को अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले विकारों को दूर करने, आत्माओं को परस्पर मिलाने तथा एकात्म भाव में जोड़ने की दिशा में इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, संपूर्ण मानव कल्याण के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, योग सूत्र, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद व अन्य विषयों पर की गई रचनाएं आधुनिक युग में भी मानवता के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि जहां एक तरफ हम उपभोक्तावाद एवं वैश्वीकरण के दौर में सुख सुविधाओं एवं उपलब्धियों से भरे सफल जीवन को ही अपना उद्देश्य बना चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चा आनंद, शांति, सुकून एवं संतोष प्रदान करने वाली भारतीय सभ्यता व संस्कृति की अमूल्य विरासत को तेजी से भुलाते जा रहे हैं। जहां पूरा विश्व भौतिकतावाद से निराश होकर अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो चुका है, हम जानबूझकर भौतिकता के अंधकार में प्रवेश कर चुके हैं। यही कारण है कि आज व्यक्ति दुखों व बीमारियों से जूझता हुआ हताश एवं निराश हो चुका है तथा युद्ध एवं महामारियों से उत्पन्न कई विकारों का शिकार हो रहा है। इन्हीं दुखों, बीमारियों, विकारों से छुटकारा दिलाने, मानवता को उसके आनंदमयी वास्तविक स्वरूप में लौटाने के लिए एक कुशल आयोजक, दूरदर्शी नायक व अथक सेवक सिद्ध की आवश्यकता के साथ साथ पूर्णतया व्यवस्थित एवं अनुशासित संस्था की भी आवश्यकता होती है। शायद इसीलिए इस संसार का सृजन, पोषण एवं संचालन करने वाली परम शक्ति की कृपा से आदरणीय श्री गौरव विग ने पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था की स्थापना की। कोविड महामारी के ठीक पहले सन 2018 में बनी इस संस्था ने वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली रेकी द्वारा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ रिश्ते, मधुरता, वास्तविक आनंद, अध्यात्म एवं ध्यान के अनुभव से बहुत से लोगों को इस परिवार से जोड़ा और संस्था का हर घर हीलर, हर घर ध्यान का संकल्प मात्र 4 वर्षों में ही सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। और संस्था का हर घर हीलर, हर घर ध्यान का संकल्प मात्र 4 वर्षों में ही सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। ये संस्था न सिर्फ जम्मू बल्कि इसके निकटवर्ती हिमाचल प्रदेश व पंजाब में भी कार्यरत है और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। विश्व की महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों में से एक रेकी चिकित्सा पद्धति आज चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अहम स्थान रखती है। रेकी शब्द मूलतः 2 जापानी वर्णों रे एवं की से बना है। रे का अर्थ है सार्वभौमिक ब्रह्मांड एवं की का अर्थ है ऊर्जा यानी जीवन शक्ति। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस ब्रह्मांड के आदिकाल से हमारे बीच विद्यमान है। अथर्ववेद में भी अपने हाथों की चुंबकीय शक्ति से बीमारियों और विकारों को ठीक करने का वर्णन मिलता है। 19वीं सदी के अंत में
डॉक्टर मिकाओ उसुई यदि इस तथ्य का पता नहीं लगाते तो शायद संस्कृत सूत्रों में व्यक्त हजारों वर्ष पुरानी ये परंपरा विलुप्त हो जाती। व्यवहारिक दृष्टि से इस बात का कोई महत्व नहीं कि कोई पद्धति या सूत्र किसने खोजा, किसने बनाया। यदि कोई भी पद्धति या सूत्र मनुष्य के विकास का सुनिश्चित मार्ग प्रशस्त करता है तो इस बात का कोई महत्व नहीं कि इसका रचयिता कौन था। रैकी हीलिंग मात्र सरल तथा प्राकृतिक चिकित्सा ही नहीं है, अपितु ये सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा को अंतरित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका भी है। विज्ञान व क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को मानता है कि जीव में भौतिक शरीर 1% से भी कम है और बाकी 99% से ज्यादा इसे चलाने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी है। यही कारण है कि रेकी हीलिंग सप्त शरीरधारी भौतिक शरीर पर ही नहीं बल्कि उसकी जड़ में जाकर उसमें मौजूद ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा या परमात्मा की शक्ति से प्राणिक हीलिंग न्यास क्रिया से ऊर्जा उपचार करती है। पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था ने यूं तो रेकी हीलिंग की पद्धति में लोगों को निपुण करने का कार्य 2018-19 में ही प्रारंभ कर दिया था और संस्था में बहुत से हीलर्स अपने उद्देश्य में कार्यरत थे, परंतु सन 2020 में कोविड महामारी की पहली लहर ने एक दूसरे से ना मिल पाने की सूरत में एक चुनौती खड़ी कर दी। मानवता की इस मुश्किल घड़ी में सेवा करने के संकल्प ने अचानक संस्था की जिम्मेदारी और बढ़ा दी। फलस्वरूप मार्च महीने के शुरू में ही प्रोटेक्शन हीलिंग नाम के ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए गए और निशुल्क हीलिंग्स, ऊर्जा उपचार, न्यास क्रिया और ध्यान के माध्यम से लोगों को स्वयं एवं दूसरों को रेकी हीलिंग द्वारा प्रोटेक्ट करना सिखाया गया ताकि वो अपने ऊर्जा स्तर को ऊपर उठाकर अपने आभा मंडल को मजबूत बनाकर कोरोना वायरस से बच सके। उस समय एक एक दिन में कई कई ऑनलाइन सेशंस में सैकड़ों लोग ध्यान और हीलिंग कर रहे थे। ईश्वरीय कृपा से उस समय जुड़े सभी साथी सुरक्षित रहे और ये प्रार्थना है कि वो हमेशा सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें। कोविड महामारी के चलते संस्था ने अलग अलग संबंधित विषयों पर जैसे ऑनलाइन रेकी, कार्ड कटिंग्स इत्यादि विषयों पर कोर्स भी करवाए और संस्था के सदस्यों ने सामूहिक प्रयत्नों से जरूरतमंद लोगों की खाने के सामान के अलावा ओढ़ने पहनने की वस्तुओं से हर प्रकार से सहायता की। सन 2021 के फरवरी महीने में हालात थोड़े सामान्य हुए तो ऑनलाइन रेकी पद्धति से जुड़े लोगों के उत्साह और आग्रह से ऑफलाइन मिलने के लिए जम्मू में एक कार्यक्रम किया गया जिसका नाम था मिलाप। उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा या परमात्मा के मार्गदर्शन से मिलाप कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने भाग लिया, हीलिंग सीखी, ध्यान के अनुभव को बहुत करीब से समझा और महसूस किया, उससे जुड़े और अपनी तकलीफों को दूर करने का तरीका भी सीखा। कुछ ने तो वहीं बैठे बैठे अपने दर्द और तकलीफों से राहत भी पा ली। उसके बाद कठुआ में मई 2021 में भी एक निशुल्क सेल्फ हीलिंग कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी सफलता ने संस्था के हर सदस्य में बनने वाले संकल्प को और दृढ़ किया। मिलाप श्रृंखला में अगस्त 2021 को कटरा वैष्णो देवी में भी मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें रियासी जिले के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने भाग लिया, निशुल्क रेकी हीलिंग पद्धति को करीब से सीखा एवं अपनी तकलीफों और रोगों को दूर करने का एक अनोखा अनुभव प्राप्त किया। हाल ही में 6 नवंबर
2022 में कठुआ में एक बार फिर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। निरोगी रहना हर व्यक्ति का प्रथम अधिकार है और कर्तव्य भी। उनको इस ज्ञान से जोड़ने और प्रेरित करने के उद्देश्य से पावर ऑफ मेडिटेशन द्वारा किए गए अब तक के कार्यक्रमों की सफलता से इससे जुड़े हर व्यक्ति के हौसले, हिम्मत और शक्ति बढ़ती चली गई और जुलाई 2021 में पत्नीटॉप में स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चले इस रिट्रीट में ध्यान से जुड़े अलग अलग विषय, पहलू, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कर्म के सिद्धांत, अध्यात्म के विभिन्न आयामों पर चर्चा के अलावा हमारे अवतारों, ऋषियों, गुरुओं, सिद्धों, मुनियों द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और आधुनिक समय में उनके उपयोग में लाने पर चर्चाएं और निरंतर संवाद होता रहा। स्पिरिचुअल रिट्रीट की आनंदमयी वर्षा में भीगे पावर ऑफ मेडिटेशन के हीलर्स ने रेकी की प्राचीन विद्या को पुनः खोजने और स्थापित करने वाले संत मिकाओ उसुई का जन्मदिन समारोह आयोजित कर अगस्त 2021 में जम्मू ध्यान केंद्र की स्थापना की। परमपिता परमात्मा के आदेश व एक तीव्र मार्गदर्शन से जम्मू में 13 और 14 नवंबर सन 2021 को एक 2 दिवसीय निशुल्क महाध्यान शिविर का आयोजन पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था के लिए एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस शिविर में न सिर्फ जम्मू से बल्कि सीमावर्ती राज्यों से भी बहुत से लोगों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। इस महाध्यान शिविर में आए लोगों ने, परिवारों ने ध्यान सीखा, हीलिंग सीखी और आध्यात्मिक विषयों पर ध्यान की गहराई में उतरने का अनुभव प्राप्त किया और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने का तरीका सीखा और समझा। कहा जाता है कि जहां मनुष्य समूह में बैठकर ध्यान करते हैं, वहां अनेकों देवी देवता सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिव्य माहौल इस महाशिविर में बना, जहां दूर दूर से एकत्र हुए लोगों ने उस दिव्य आनंद को अपने भीतर भर लिया और उसी दिव्य आनंद को अपने अपने स्थान, अपने अपने घरों को ले गए और वहां भी आनंद की वर्षा करके तृप्त हुए। पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप में यूं तो आदरणीय गौरव विग संभाले हुए थे, पर अप्रत्यक्ष रूप में महान दिव्य शक्तियां उनका मार्गदर्शन कर रही थी। तभी ध्यान से ध्यान तक की यात्रा श्रृंखला प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अध्यात्म व ध्यान मार्ग पर प्रवृत्त लोगों को देश के उच्चतम आध्यात्मिक केंद्रों में ले जाकर वहां की ऊर्जा में ध्यान करवाना था, ताकि वे न सिर्फ ध्यान के उच्च सोपान का अनुभव प्राप्त कर सकें, अपितु आशीर्वाद प्राप्त कर ईश्वर से साक्षात्कार की तरफ अग्रसर हों। इस श्रृंखला की प्रथम यात्रा नवंबर 2021 से शुरू हुई और उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों व आध्यात्मिक केंद्रों काठगोदाम, बाबा नीम करौली के कैंची धाम, माता दुर्णागिरी शक्तिपीठ, महावतार बाबा जी की गुफा, बाबा हैडा खान की तपोभूमि से ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए वापस पहुंची। दिव्य ऊर्जा और आनंद की अनुभूति लिए हर एक व्यक्ति के लिए इस यात्रा की स्मृतियां हमेशा जीवंत रहेंगी। ध्यान से ध्यान तक की यात्रा श्रृंखला की दूसरी यात्रा वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में की गई, जिसमें बाबा नीम करौली जी के कैंची धाम, महावतार बाबा जी की गुफा, बाबा हैडा खान जी की गुफा व आश्रम, माता दुर्णागिरी शक्तिपीठ, गोलू देवता, ढोल आश्रम, जहां पर विश्व का
सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित है, आठवीं ज्योतिर्लिंग जागेश्वर दारू फावड़ा से ऋषिकेश और हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन करते हुए ये यात्रा जम्मू पहुंची। इस यात्रा के दिव्य संस्मरणों से रोमांचित हुए सभी लोगों को ऐसा लगता था मानो जन्मों से अपने परम पिता से बिछड़ी आत्मा पुनः मिली हो। आंखों से प्रेम के अविरल आंसू निकल रहे थे, शरीर के रोम रोम में आनंद समा रहा था। उसी दिव्य आनंद से सराबोर ये दिव्य आत्माएं ध्यान में और गहरे जुड़ गईं। मई 2022 में बहुत सी ग्रुप एक्टिविटीज की गईं, जिसमें पंचैरी की स्पिरिचुअल वेकेशंस मुख्य हैं, जहां घूमने फिरने, ध्यान और अध्यात्म के अलावा बहुत से गंभीर विषयों और समस्याओं पर चर्चा हुई। समाज में तेजी से फैल रहे मनोरोगों जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद न आने की समस्या, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, माइग्रेन, मधुमेह यानी डायबिटीज, जोड़ों का दर्द इत्यादि कई बीमारियों और उनके कारणों पर चर्चा हुई। पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या भूमिका निभा सकती है, इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरह से लोगों को ये सिखाया जाए कि अपने मन को परिवर्तित करके वो अपने हर एक सेल को रीप्रोग्राम करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसी रूपरेखा को कार्यान्वित करने के लिए सितंबर 2022 में पत्नी टाप में 4 दिवसीय NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिंदगी को बेहतर रूप से जीने के लिए हमें जिस प्रकार अपने शरीर का ध्यान रखने की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चलते इसका असर शरीर पर भी होता है, जिससे रोजमर्रा के कामों पर मानसिक तकलीफों के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थेरेपी एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एनालाइजिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये थेरेपी आपके विचारों, भाषा, बिहेवियर आदि से जुड़ी होती है। आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इस साइकोथेरेपी को बनाया जाता है। NLP के अंतर्गत ये माना जाता है कि आपके द्वारा किया गया हर काम पॉजिटिव है। सरल भाषा में समझें तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई लाख करोड़ सेल हैं, सिर्फ हमारे मस्तिष्क में ही 800 करोड़ सेल हैं और हर सेल की अपनी मेमोरी है, लगभग 82 GB इंफॉर्मेशन समेटे हुए है। NLP में ये सिखाया जाता है कि कैसे इस इंफॉर्मेशन, इस मेमोरी को साफ करके नई पॉजिटिव मेमोरी और इंफॉर्मेशन भरें। इस कार्यशाला की सफलता को देखते हुए NLP की दूसरी कार्यशाला अक्टूबर 2022 में जम्मू में आयोजित की गई, जिसमें जम्मू और सीमावर्ती राज्यों के अनेक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला की सफलता, लोगों में उत्साह और इसकी आवश्यकता को देखते हुए पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था द्वारा इस तरह की और कार्यशालाएं लगाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। विश्व भर में अनेक संत, ऋषि, मुनि, भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते थे और उन्हें इस जन्म में अपने कार्यों, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई। पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था ने इसी उद्देश्य से अक्टूबर 2022 में ही एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कार्यशाला का आयोजन कर इसमें भाग लेने वालों को जाति स्मरण करवाया, जिससे उन्हें इस जन्म में होने वाली कई समस्याओं का मूल कारण पता चला और उन समस्याओं को दूर करने की दिशा जानकर वो लाभान्वित हुए। आधुनिकता की अंधी दौड़ में भारतवर्ष का पुरातन विज्ञान भी विलुप्त होता जा रहा है।
लोगों को अपने पुरातन विज्ञान अग्निहोत्र से अवगत करवाने के लिए सुबह और शाम ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्र आयोजित किए गए। इसमें बहुत से लोग जुड़े और अपने अपने घरों में अग्निहोत्र का अनुष्ठान करके लाभान्वित हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पूरे विश्व को चेतावनी दी है कि सन 2027-28 में जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर में प्रवेश कर रहे होंगे तो 5 में से लगभग 4 लोगों को मानसिक रोग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि से जूझना होगा। इन्हीं परेशानियों से लड़ने के लिए पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी ने बच्चों को ध्यान से जोड़ने का काम आरंभ कर दिया है ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ किया जा सके और वो जीवन में आने वाली हर चुनौती का सफलता के साथ सामना करने में सक्षम हो। संत न होते जग में तो जल मरता संसार। इस संसार को ऐसे ही संतों सिद्धों से जोड़ने हेतु संतों का जीवन और अद्भुत ध्यान नामक श्रृंखला की शुरुआत भी की गई है। ईश्वर की अनुकंपा से पावर ऑफ मेडिटेशन संस्था का कार्य बहुआयामी हो गया है, जिसने अब एक मिशन का रूप ले लिया है। निस्वार्थ भाव से समाज को उसकी भूली हुई विरासत, सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान को लौटाने हेतु बहुत से लोग इसमें निरंतर जुड़ते चले जा रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं और अपना जीवन सुखमय, स्वास्थ्य और आनंदमय बना सकते हैं। आए ध्यान से जुड़े, वही ध्यान जो आदि योगी भगवान शिव निरंतर कर रहे हैं। तत्सत्।